पहले आयरन के डोर्स लगाते हैं। सो गाइस फिलहाल तो हमारा घर ऐसा कुछ लग रहा है दिखने में। भाई मेरे पास ब्लॉग ही खत्म हो गया, क्या करूं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं दोबारा से अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में, यानी कि पीयूषपुर 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में एक प्यारा सा मॉडर्न हाउस। हाँ, वो बनाएंगे हम कॉन्क्रीट का। कमेंट करके बता देना आपको घर कैसा लगा। तो देखते क्या होता है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो चलते अपने पीयूषपुर 2.0 में, देखते क्या चल रहा है। सो गाइस आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा माइनिंग करी थी और मेरे को उसमें से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिल गए थे, तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई मेरे पास कितना सामान है, मतलब पूरा आर्मर भी है मेरे पास। बट क्या कर रहे हो, वीडियो को मैं बटन नहीं दबाना भूल गया, रिकॉर्ड नहीं हो वीडियो। मतलब ज़्यादा कुछ सामान नहीं है मेरे पास, ये आयरन और कुछ यही है। उस वीडियो को रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबाना भूल गया मैं। भाई क्या कर सकते हम, अब है तो है सामान, अब दोबारा थोड़ी वर्ल्ड बनाएंगे। और मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना घर इस लोकेशन में बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास 4 डायमंड है, तो इसको मैं ऑब्सीडियन में बना के इससे इसको तोड़ के मतलब इसमें नेदर पोर्टल में बना सकता हूँ मैं। देखते क्या होता है। वैसे मैं घर तो कंक्रीट से बनाने वाला हूँ, तो कंक्रीट बनाने को लगता है एक तो ग्रेवल एक सैंड, तो चलो लेने चलते हैं। सैंड के लिए तो डेजर्ट, हाँ वो रिवर्स में मिल जाता लेकिन उतना नहीं मिलता, तो चलो पहले वो ही ढूंढते हैं। चलो यहाँ पर एक टावर बनाते हैं जिससे मेरे को पता लगे कि मेरा ये लावा पुल इधर ही है। अब मेरे को यहाँ से जंप मारनी है जो कि हो जाएगी। चलो पानी के ऊपर उठाते हैं यहाँ से और चलते ढूंढने, यहाँ पर तो लावा है। मैं स्पीड रनर वाला इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरे को वो एक ही जगह पे रखना है नेदर पोर्टल, ये मतलब ऐसे रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा ना फिर। और उसको सजाएंगे भी थोड़ा, यहाँ मिलेगा ग्रेवल। अब मेरे को ग्रेवल चाहिए, मेरे को फ्लिंट नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ओ मेरे पास पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा ग्रेवल था यार, जो कि मैंने फेंक दिया, पता नहीं क्यों इतने समझदार। वो मैंने इधर ही कहीं फेंका था, एक मिनट रुको ढूंढ के देखते हैं इसको। ओ सामने रिवर एक, चलो वहीं से लाते हैं सैंड और ग्रेवल। यहाँ क्या है, तो डर्ट है, यहाँ मिल जाएगा देखो सैंड तो ये रही। अरे यार मेरे पास स्टोरेज भी तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एक चेस्ट बनाते पहले। क्राफ्टिंग टेबल है मेरे पास, वाह भाई मेरे पास वुड रखने की भी जगह नहीं है, तो चलो ठीक है। क्राफ्टिंग टेबल नहीं है मेरे पास, अरे यार तुम जा सकते हो। अब यहाँ पर बनाते हैं चेस्ट, एप्पल नहीं फेंकूँगा, खाने का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए गेम हो या कुछ भी हो। चेस्ट कहाँ है, इसको टावर के पास लगा देता हूँ ताकि मेरे को ये भी पता रहे कि मेरी चेस्ट कहाँ पर है। और यहीं पर अपना रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर लेते हैं। बैठ गया क्या ये, ठीक है बगल में एक पेटी रखते हैं जिसमें अपना सारा का सारा सामान डालते हैं। वेट एक मिनट, काम करता हूँ ना, अपना सारा आयरन भी स्मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ। कोल इतना ही है मेरे पास भाई, चलो पहले सो जाते हैं। हाँ ये मैं अपने घर में लगाने के लिए लाया था, पता नहीं क्यों। ड्रिपस्टोन का कौन सा मैं घर बना रहा हूँ। चलो चलते हैं उसी रिवर के पास, इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है यार। यहीं से तोड़ते, दूर से जल्दी टूट रही है भाई। चल क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर भी वाटर ग्लिच मार रखा है। ये देखो यहाँ पर भी वाटर ग्लिच है भाई, चल क्या रहा है मेरे वर्ल्ड में। अगर ये करके ये तोड़ देंगे तो अभी भी सही नहीं हुआ। चलो यहाँ पर इतने सारे सैंड को कलेक्ट करते हैं। ओ एक स्टैक तो यहीं पर ही हो गया, बट एक कंक्रीट को बनाने में 2 ग्रेवल लगते हैं, 2 सैंड लगते हैं। हालत तो ख़राब होने वाली है भाई। अरे हेलो हेलो हेलो, सर 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 मर जाओगे। वैसे मेरे को थोड़ा ब्लैक कंक्रीट चाहिए गाइस। हेलो, अरे पहुँच गया, ओह फाइनली ग्रेवल भी मिल चुका है। आज मेरे को फिल्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यस मेरे को ग्रेवल ही दो। ठीक है यहाँ से माइन करते हैं इसको।
अब बड़ा फ्लिंट दे रहे हैं। वो देखो फ्लिंट उभर उभर के आ रहे हैं। ओ पहले देख तो लेते मैं सही तो कर रहा हूँ ना। उसके लिए हमको अपने अड्डे पे जाना पड़ेगा वापस। चलो पहले यहाँ से थोड़ी सैंड और निकाल लेते हैं। यार मेरे को इतना तो पता ही है कि सैंड से ही बनता है वो। मेरी बुढ़ियरी एंड क्राफ्टिंग टेबल। हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 बिल्कुल सही। ओ 8 बनती है एक से। सही है भाई, मतलब हमारे पास इतनी तो हो ही गई। मैं ब्लैक कंक्रीट बना सकता हूँ, लेकिन वाइट कंक्रीट बनाने के लिए ये फ्लावर चाहिए ना, वो वाला शायद। देखते हैं। हाँ वाइट डाइस से बनती है। ब्लू डाई, वाइट डाई कैसे बनती है? है कैंडल भी बना सकते हैं। हमारा 36 आयरन पक चुका है, इसको रखते हैं इधर। खाना निकालते पहले यहाँ से। अबे यार ये अंडा अलग से देगी। चलो गाइस धुम ताना ना 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 धुम ताना। तेरे पे फेंक के मारूंगा। नहीं निकला, ऑब्वियसली नहीं निकला, नहीं निकल सकता वो। लाइट ग्रे बन रहे तो यार, तो वाइट कहाँ से मिलेगा मेरे को? इससे रेड बनता है क्या? हाँ इससे रेड डाई बन रहा है यार। लाइट ग्रे से तो नहीं बनाऊंगा मैं। अरे मैं क्यों इतना मत्था खराब कर रहा हूँ यूट्यूब बाबा। ठीक है यहाँ पर सर्च करते हैं डाई इन माइनक्राफ्ट। यस हमको यही चाहिए। सो नाउ वी आर आस्किंग अबाउट वाइट डाई and how to make it. Let's jump into it. Oh. There is three white dye. Bone to nahi thi. Agar main bone hoti ek dog ir tame na kar leta main. So that is one option. It's wheat. Bhaiya, humka late ho rahi hai. Ye to panga ho gaya. Light gray dye nahi chahiye bro. White dye dete to baat bhi hai. Yaar inse white dye kyun nahi milti? इससे येलो डाई मिलेगी। लाइट ग्रे डाई बन रही है यार। चलो एक बार लाइट ग्रे डाई का कंक्रीट बना के देखते हैं कि कैसा लगता है वो, वरना लाइट ग्रे डाई से ही बना लेंगे। यार मैंने स्केलेटन तो मारे, लेकिन देखते हैं अपनी चेस्ट में। बोन 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 बोन। चलो एक बार बना के देखते हैं इससे। वैसे नॉट बैड। चलो ठीक है इससे बना लेते हैं। पहले हमारे पास डाई कितनी है, इसे सारे से बनाते हैं। 7 हो गए हमारे पास। और फ्लावर दिख रहे हैं हमको, उनको भी माइन करते हैं। तोड़ो तोड़ो। ओ ये वाले फ्लावर से बन जाता है क्या? इससे भी लाइट ग्रे बन रहा है। सैड लाइफ, रात भी होगी, वापस बेस पे चलना पड़ेगा भाई। यार ग्रेवल की कमी पड़ रही है फिलहाल तो। कितने बन गए? 23 विच इज़ नॉट इनफ। तो सोते हैं और कलेक्ट करते हैं। अरे आग लगी क्या? हाँ बचाओ इसको। बस कहाँ थी हमारी वो नदी? वो रही, वो ग्रेवल ही मेनली इकट्ठा करना है। ग्रेवल, ये क्या क्ले है क्या? हो गया, हमको क्या करना है? ये देखो अब एक ही बार में फ्लिंट निकल के आ रहा है। ये भी सही है। कितने हो गए? 26। ये तो बहुत कम है। बुलबुले 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 भाई, फ्लिंटे फ्लिंट निकल के आ रहे हैं। वापस चलो ऊपर। चलो कितने हो गए? 47 ना। मेन तो ये दिक्कत आ रही है कि मैं पानी के अंदर माइन कर रहा हूँ तो बहुत स्लो आ रहा है। और मेरे बुलबुले यार कहीं ऊपर नहीं है क्या?
ये ग्रेवल है? नहीं, एंडसाइट है। ग्रेवल ना। अरे चल, फ्लिंट कितने? 9 फ्लिंट हो गए भाई। अरे जल्दी तो उठ। हाँ, यहाँ पर एक स्पेस बन गया सांस लेने के लिए। शवल तो तोड़ दूंगा, पूरी तोड़ दूंगा। क्या टूट ही गई? पहले अपने अड्डे पे चलते दोबारा से। ओ, और मिल गए, नाइस। अलग ही मजे ले रहा हूँ मैं उससे भी। पक गया क्या हमारा आयरन सारा? ओह, सारा पक गया भाई, लिटरली 1 स्टैक और 18 आयरन। और डायमंड्स को कैसे भूल सकते हैं। पकाते हैं, और कुछ है? नोप। इसको ऐसे लेते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मैंने बहुत सारे डिप्स ले दिए थे, तो इसी के लिए लिए थे कि मैं अपने मतलब घर के वो नीचे लगाऊंगा, मतलब उसके फर्श बनाऊंगा उसका। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर बनाऊं, क्योंकि सही सी लोकेशन लग रही है वो। पहले एक काम करते हैं, आयरन कहाँ गया मेरा? इसमें से एक आयरन लेते हैं, उसके बनाते हैं शवल। बट हाँ, इसमें है ना मेरे चेस्ट में? नहीं, कहाँ गया शवल? एक पिकैक्स भी बना ही लेता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं उधर, थोड़ा थोड़ा घर बनाना स्टार्ट करते हैं अपना, और ये एरिया भी फ्लैट हो जाएगा। ओ, ये बहुत सारा एरिया फ्लैट तो हुआ है पहले से। बस ये कबाब में हड्डी बन रहा है, इसको भी उड़ा देते हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई, अब जल्दी से साफ करते हैं यार। हाँ सही, ऐसे ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं घर। ये होगा घर का एक एज। यार ब्लॉक्स बिल्कुल नहीं है भाई मेरे पास। ठीक है, ये रखते हैं, अब सही है। उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? सेंटर क्या रहेगा? 15, 2, 3 डन। कितने बराबर? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एज बना देते हैं। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। पहले हमको बनाना है एक इनफाइनाइट वाटर सोर्स। थोड़ी मैं ब्लैक बनाता हूँ। ओ 32। चलो अब स्टार्ट करते हैं घर बनाना। पहले हमको करना है घर का फेस उस साइड रहेगा, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर डाल दो पानी, फिर वापस ले लो पानी। इच्छा हो भाई, ये रात हो रही है, बैड इधर ही लेके आता हूँ अपना 2 सेकंड को। गुड नाइट, बैड ही लेके चलते हैं ना, क्या गुड नाइट। वो रहा अपना घर, इतने छोटे नहीं बनाने वाला मैं, मतलब बड़ा बनाने वाला हूँ थोड़ा। जैसे मैंने बताया आपको 15x15 का होने वाला है। ठीक है, हमको क्या करना है? हमको चलना है ऊपर, इसको नीचे से भी ब्लैक ही कर देते हैं। अब पढ़ाई हो तो इसको भी ब्लैक कर देते हैं। अरे यार, कुछ दिखता भी तो नहीं है कंक्रीट में। अरे कौन सा टूट रहा है, मेरे को पता भी नहीं चल रहा।
एक सेकंड, इसको एक और हाइट बड़ा करना है। इतना नहीं है शायद मेरे पास, कोई बात नहीं, इससे कर देते हैं। अब देखते हैं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। लेकिन एक सेकंड, ओ मेरे को लगा यहाँ पर मेरे को साइन बोर्ड लगाने पड़ेंगे ताकि पानी बाहर ना आए, बट भगवान ने हमारी सुन ली और सही कर दिया इसको। एक बार फेस तो इधर को करेगा ना। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ले पकड़ने अपने कॉन्क्रीट। यहाँ पर हमारे लिए एक एक कॉन्क्रीट जरूरी है बहुत, इसलिए भाई वेस्टेज नो, से नो टू वेस्टेज। एक दो तीन चार, इसकी एक हाइट बढ़ानी है, फिर एक ऊपर, एक और ऊपर, फिर एक दो तीन। ओयो पी बन गया। अरे यार चल क्या रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे हो क्या रखा है, तो मैंने उसकी एक हाइट बढ़ा दी। रुको अभी ठीक करता हूँ भाई, पिकैक्स भी टूट गई, ये देखो, इसलिए मैंने एक और पिकैक्स बनाई और मैं गिर गया। ये लेफ्ट साइड वाला बिल्कुल परफेक्ट बना है, लेकिन इसको क्या हो रहा है ये हमको ना मालूम। अब समझ आया, एक दो तीन चार पाँच, हाँ अब बनाना एकदम एक्यूरेट। भाई मेरे ब्लॉक भी ख़त्म होने वाले हैं। अब हमको यहाँ पर डोर लगाने हैं, एक ऐसे, फिर एक और ऐसे, फिर ऐसे, आई होप मैं सही बना रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ सही बन रहा है। एंड मेरा बेड, इसको यहाँ पर लगाते हैं और सो जाते हैं। अरे भाई वापस जेब में, ये रिस्पॉन पॉइंट सेट ही कर देते हैं। ठीक है शायद सही बना है, हमको ये लेना है और भाई मैंने कंक्रीट से ज़्यादा डर्टी प्लेस कर रखी है। इसकी एक और हाइट बढ़ानी है शायद, हे भगवान ये माइनक्राफ्ट की दुनिया में भाई सिर से करा रहा सच्ची में मेरा। ये मकड़ी की आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही बार बार, मेरे को लगता है हमको इसकी एक और हाइट बढ़ानी है। हाइट ही बढ़ाने में रह गया मैं, उसकी सीधा कॉम्प्लेन भी लंबा हो जा। यहाँ पर लगाओ कोई भी रैंडम ब्लॉक्स, फिर यहाँ पर ये, पान ले लेते हैं। हे भगवान ये क्या कर रखा है मैंने, मेरे को लग रहा है मैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल नहीं बेड वॉर्स खेल रहा हूँ। ओ अब परफेक्ट बना है, सिर्फ पानी उठाओ एंड ऐसे, यस नाउ इट इज़ लुकिंग परफेक्ट। मेरे को क्यों लग रहा है, मेरे को थोड़ा इसको एक दो,
फिर एक और बढ़ा के चलो यहाँ से वाटर बकेट ट्रिक उस गड्ढे में। मेरे से ही क्यों नहीं होती है सिर्फ भाई, मैंने 10 बार कह दिया नाउ इट इज़ लुक परफेक्ट, नाउ इट इज़ लुक परफेक्ट, एक और बार बोलते हैं नाउ इट इज़ लुकिंग परफेक्ट। अरे सच्ची में लग रहा है अभी भाई, पहले इसको तोड़ो। पता नहीं कौन सी पानीपत की लड़ाई हुई यहाँ पर, माइनक्राफ्ट में पानीपत की लड़ाई, पानीपत की नहीं उसकी, माइनक्राफ्ट में कोई जगह होती है, डार्क ओक बायोम की लड़ाई हुई यहाँ पर। भाई मैं डर्ट क्यों उठाने जा रहा हूँ इसे, जैसे कि डायमंड गिर गया हो मेरा, अब दोबारा ही डर्ट लगानी पड़ेगी। सो गाइस फिलहाल तो हमारा घर ऐसा कुछ लग रहा है दिखने में। भाई मेरे पास ब्लॉक ही खत्म हो गए, क्या करूँ। लेकिन एक सेकंड, चलो थोड़े ब्लॉक और मिल गए, अब सही लग रहा है, अब लग रहा है वैसा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है यार भाई, जैसा भी अब नहीं तोड़ूंगा मैं, 10 बार तोड़ के 10 बार जोड़ दिया मैंने। अच्छा लग रहा है, 2 ब्लॉक और बचे उनको भी लगा देता हूँ कहीं पर। ये 2 ब्लॉक हम लगाना चाहेंगे इधर और इधर, ठीक है। चलो अपना आयरन ला के यहाँ पर डोर भी लगा देते हैं। डोर तो भाई आयरन के लगाऊंगा, सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ से लिए अपना आयरन, और ग्रेवल है मेरे पास, सैंड नहीं है। तो ये सब जा रहा है, पर डबल लेयर किसने लगाई? ऑब्वियसली मैंने ही लगाए, बट क्यों, जनता तो सबूत मांगती है। वो मेरे पास 4 ब्लॉक आ गए, पहले आयरन के डोर्स लगाते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा घर अंदर से देखिए। ठीक है एनीवेज अब सो जाते हैं, चलो है? चलो ओके। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपने देखा कि आज हमने अपना घर बनाना स्टार्ट करा, और मैंने ऑलमोस्ट मतलब आधा बना दिया था, वो उसके इंटीरियर में काम करना है अभी, और मेरे पास रिसोर्सेज की भी कमी पड़ रही है अभी, जैसे कि कंक्रीट हो गया, तो इन चीजों की कमी पड़ रही है। तो इस घर को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।